रविवार को भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन और जबलपुर संभाग के संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ ने अपना मार्गदर्शन दिया। बैठक में जिले के संगठनात्मक कार्यों की मंडलवार समीक्षा की गई। इसके साथ ही संगठनात्मक विषयों और आगामी कार्यक्रमों पर रणनीति तैयार की गई। हम सभी के लिए सम्मान का विषय है और हम सभी को क्या लगता है कि भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को खड़े कर रहे हैं जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जो विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के मेरे विचार गठित विचारधारा थी, आज केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे पूरा कर रही है। हमें गर्व होता है जब हमारा नेटवर्क पूरी मेहनत के साथ 24 घंटे पूरे जज्बे के साथ देश की जनता की सेवा में रहता है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने अपने कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था का बेहतर ढंग से संधारण करने, नागरिक सुरक्षा को बढ़ाने और अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लंबित आपराधिक मामलों के निपटारा के लिए सभी स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों को तेजी लाने का निर्देश दिया, खासकर आने वाले समय में पर्व त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बहाल करने पर चर्चा की। आज स्थानीय राजीव भवन में विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुरेश कपाले ने संगठन के वरिष्ठ नेताओं को सेवादल की संपूर्ण गतिविधियों से भी अवगत कराया। साथ ही जिला कार्यकारिणी सहित ब्लॉक स्तर के अलावा आगामी समय में क्षेत्रीय सेवादल की कमेटियों के संगठन की विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की। आयोजित बैठक में कमल मदान, निखिलेश चरण दुबे, वजीर भाई, जयराम माघवा, कल्पना पहाड़े, सीमा शुक्ला, प्रीति ध्रुवे, दीपाली कर्मवीर आदि उपस्थित रहे। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के अंतर्गत वार्ड 25 में शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रयास क्लब द्वारा इस अवसर पर श्री धाम सेवा समिति के सदस्यों के साथ मिलकर व्यवस्था बनाई। क्लब द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों, नगर निगम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान कर आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर अनीता तिवारी, नीरजा वाजपेयी, क्लब अध्यक्ष श्वेता नायक, अर्पिता शुक्ला, नंदिनी वाजपेयी, नीतू पटेल, भावना द्विवेदी, निशा यादव, श्वेता साहू, कविता शर्मा, अभिलाषा सोनी, वैशाली चौहान, शशि जखोटिया उपस्थित रहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समाजसेवी धर्मेंद्र सोनू ने आज अपना जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर आज शुभचिंतकों और इष्ट मित्रों द्वारा घर पहुंचकर पुष्पगुच्छ देकर उन्हें बधाई दी गई, साथ ही जरूरतमंदों को आवश्यकता के अनुरूप सहायता प्रदान की गई। पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद पेंशनर समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष जीवी नवघरी की स्मृति में वृक्षारोपण किया गया। बैठक रखी गई यहां पर, जिसमें मुख्य मुद्दा था कि जो नवघरे जी, स्वर्गीय नवघरे जी के बाद ये अध्यक्ष पद खाली था, मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद आज उसको परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव करना था, जो सर्वसम्मति से आज मेरे को मीर जाहिद अली को अध्यक्ष चुना गया है और कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है। इसके साथ ही हम पूरे प्रांतीय स्तर पे, प्रांतीय हमारे पदाधिकारियों के आह्वान पे, यानी ज्ञापन सौंपना है कलेक्टर साहब को। कुछ मांगे हैं हमारी, जिसमें पहली मांग है कि 32 माह का छठवें वेतनमान का एरिया रुका हुआ है वो दिया जाए। असंगठित निर्माण मजदूरों की आज बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद तहसीलदार को कलेक्टर के नाम मांग पत्र दिया गया। निर्माण मजदूरों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद की घोषणा की गई, लेकिन अभी तक उन्हें कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। राजीव भवन में हुई बैठक में असंगठित कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने निर्माण मजदूरों की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही और उन्हें भवन और सनिर्माण कर्मकार कल्याण कानून के बारे में जानकारी दी और सभी निर्माण मजदूरों को पंजीयन कराने के लिए संगठित होने का महत्व समझाया। जुन्नारदेव में कोविड-19 वैक्सीन की कमी से जनता जूझ रही है। वैक्सीन सेंटर शासकीय नंदलाल स्कूल में 400 वैक्सीन शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसे लगवाने के लिए हजारों की भीड़ केंद्र में उपस्थित रही, जिन्हें टोकन बांटकर महाटीकरण अभियान की खानापूर्ति की गई। सैकड़ों लोग बिना टीकाकरण लगाए ही वापस हुए। सुबह 7:30 बजे यहाँ आ गया था सेंटर में और देखा कि हजारों की भीड़ है, लाइन में लगने के बाद भी पर्ची नहीं प्राप्त कर सका।
स्वर्गीय शालिग्राम डोमाजी वंजारी शिक्षा परिषद मोहगांव हवेली में तेली समाज की बैठक डॉक्टर गोपाल वंजारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष रत्नमाला पिसे पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मोरेश्वर सरोदे ओम प्रकाश बालपांडे सेवानिवृत्त शिक्षक गोविंद राम कामड़ी की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। हमने सर्वप्रथम वृक्षारोपण किया। हम सब महिला मंडलों ने बड़े हर्षोल्लास से यह महोत्सव मनाया और इसी के साथ तेली समाज की जो बैठक है उसमें यह हम इसमें विचार विमर्श करेंगे कि हम सबको एकजुट होकर कार्य करना है, हम समाज के हित के लिए कार्य करें।